हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कन्वर्ट 1 क्यूबिक फीट सैंड टू केजी, मतलब सीएफटी से केजी में कन्वर्ट कैसे करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये एक सब्सक्राइबर्स का ही क्वेश्चन है जो बहुत दिन से बोल रहा है कमेंट में, बता दो सर। तो आज मैं इसी को लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये क्या वैल्यू फिक्स होता है? सपोज ये मैं सैंड के केस में निकाल रहा हूँ, एग्रीगेट का भी निकलेगा सीएफटी से केजी में, किसी भी चीज का लोग निकाल सकते हैं, बट ये वैरी करता है आंसर। कभी भी ये आंसर फिक्स नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, मेरा 1 मीटर में कितना फीट होगा? 3.281 फीट, ठीक है, ये फिक्स है वैल्यू। बट 1 क्यूबिक फीट में कितना केजी होगा, ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करेगा, और एक ही मटेरियल का अलग अलग आंसर हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है ना आपके डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे। डेंसिटी ऑफ मटेरियल जब तक आपको पता नहीं होगा, आप केजी में उसका वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें एक चीज जान के यहाँ पे रखना है। वो क्या जान के रखना है वो देखिए, आप लोग ये जानते हो 1 m³ में आपका होता है 35.3147 cft³। ये आपको पता है 1 m³ में 35.3147 cft³ क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसका अगर डेरिवेशन आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, इस पे मैंने वीडियो बनाया था, उसको जाके आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको एक जान के रखना है, 1 m³ में 35.3147 cft³ होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2, एक चीज देखिए, हम लोग यहाँ पे सैंड का निकाल रहे हैं ना, तो सैंड का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे 1600 kg/m³ मानते हैं, ठीक है, ये वैरी करता है, कभी भी डेंसिटी फिक्स नहीं होता है। डेंसिटी कैसे कंडीशन में है, उसके अंदर पानी कितना है कितना नहीं है, इस पे पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेंसिटी मान के चलते हैं सैंड का 1600 kg/m³, ठीक है। यहाँ से इस वाले टर्म से kg/m³, इससे हमको क्या पता चलता है, 1 m³ में कितना लग रहा है, 1600 kg, ठीक है, 1 क्यूब में। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ना इक्वल कर देना है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देना है। देखिए 1 m³ यहाँ पे है, 1 m³ यहाँ है, मतलब इसके बराबर ये होगा, तो इसके बराबर अगर ये है, मतलब 1 m³ के बराबर ये है यहाँ पे, और यहाँ भी देखिए 1 m³ के बराबर ये है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1 m³ का वैल्यू सेम ये भी है, 1 m³ का वैल्यू ये भी है, मतलब ये बराबर ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग चलिए लेके आते हैं और फिर ज्वाइंट कर देते हैं। तो बाई इक्विवेलेंसी क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 35.3147 cft बराबर 1600 kg, ठीक है। यहां से देखिए, हम लोग सीएफटी और केजी वाले टर्म में आ गया, हम लोग क्या निकालना है, एक सीएफटी में कितना केजी होता है, तो बस यूनिटरी मेथड को फॉलो करना है हम लोग को, इतना सीएफटी में इतना केजी, तो एक सीएफटी में डिवाइड कर देते हैं सिंपल, 1600 / 35.3147, ठीक है, इतना जो भी आंसर आएगा वो केजी में आएगा। तो चलिए हम लोग अपने झुंझुन्ना से पता कर लेते हैं कि कितना होने वाला है, ठीक है। 1600 / 35.3147, ये आया 45.3, मैं चलिए इसको 45 पी मान के चलता हूँ, 45 kg। तो अप्रोक्स एक जो आपका आएगा 1 क्यूबिक फीट सैंड को अगर आप केजी में कन्वर्ट करते हो तो एक सीएफटी का वैल्यू आता है 45 kg, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है करने का, आपको अगर निकालना है, आपको पता करना है कि कितना केजी होगा एक सीएफटी में, तो इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरव्यू में कहीं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि एक सीएफटी में कितना केजी होता है सैंड, तो आप 45 kg बता सकते हो, और ये जरूर बताना कि सर ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब तक ये नहीं बोलोगे आप राइट नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको पहले बोलना डेंसिटी ऑफ सर, वो एक्चुअली डेंसिटी पे वेरी करता है, बट हम लोग डेंसिटी चलिए मान लेते हैं 1600 kg, तो उसके हिसाब से फर्दर कैलकुलेट करके ये बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग
निकाल सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट 1 क्यूबिक फीट सैंड टू केजी। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ना, लीजिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, वैसे ये सारे चीज बहुत कुछ आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे सब किया धरा, आप वहां से अच्छी तरीके से फोटो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है, दो वेबसाइट है, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है, जिन्हें इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो हिंदी में जाकर भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाला जो वेबसाइट है वो www.civilofficial.com, और इंग्लिश में देखना है तो www.learningtechnologyofficial.com, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और आप लोग को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग मेरे मेंबरशिप को लेके मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है जॉइन बटन पे जाकर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट 29 रुपीज आपको पे करना है। और मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा, पक्का से पक्का फॉलो कीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ नया लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।